अच्छा अब बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट वीक में बड़े क्रूशियल मैचेस होने वाले हैं, तो मैं अब एक एक टीम का नाम लूंगी और आप दोनों एक एक करके बताइएगा कि किस टीम के पास कौन से एडवांटेजेस हैं और क्या बुराई है, कैसे मतलब ये जीत सकते हैं, क्या चांसेस हैं क्या नहीं, ठीक है? अब मैं पूछ लूँ तो पहला है भाई 14 अप्रैल को हो रहा है KKR वर्सेस LSG, KKR वर्सेस LSG लखनऊ सुपर जायंट्स। KKR इस वक्त जो है वो बहुत खतरनाक टीम है, क्योंकि आपने देखा तीन जिस तरह से वो मैचेस जीते, टूर्नामेंट का नहीं बल्कि IPL की तारीख का फर्स्ट हाईएस्ट सनराइजर्स ने बनाया, सेकंड हाईएस्ट इन्होंने बना दिया दिल्ली के खिलाफ 272 रन, आंद्रे रसल, उसके बाद सुनील नारायण जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं। लखनऊ ऑर्गेनाइज टीम है, कोलकाता क्या मैदान होगा, लखनऊ की ऑर्गेनाइज टीम, यहाँ देखना है कि ये कितना मारेंगे। मयंक यादव का बड़ा इम्तिहान होने वाला है, बट डेफिनेटली इस मैच में मैं KKR के साथ ही। अच्छा सर, यू आर सपोर्टिंग KKR। सपोर्टिंग नहीं, लग रहा है। अच्छा आपको लग रहा है। अच्छा, अब 14 अप्रैल को एक और मैच भी हो रहा है, मुंबई इंडियन वर्स CSK, तो व्हाट डू यू थिंक के किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो सकती है, कौन सी टीम भारी है? देखिए, अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स को मैं वोट इसलिए करूंगा कि उनके पास कैपेबिलिटी है, दूसरा ये कि धोनी उनके साथ है। हाँ, ये जरूर है कि मुंबई इंडियंस बड़ा नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, चार में से एक ही जीते हैं और फिर मुश्किल उनके लिए पड़ी है, मगर चेन्नई में ख्याल में चेन्नई के पास जो डिफरेंस आता है वो धोनी आता है, ठीक है, गायकवाड भी है उनके पास, रचिन रविंद्र भी है जो न्यू सेंसेशन है बैटिंग के अंदर, मगर पथिराना उनके पास बॉलर भी है। इस तरह मुंबई को तो अगर आप देखेंगे तो इनका हर खिलाड़ी करोड़ों का है, ठीक है, करोड़ों का तो CSK के पास भी है, ठीक है, मगर CSK के पास पांच ट्रॉफीज हैं IPL की, तो पांच मुंबई के पास भी हैं, मुंबई के पास धोनी नहीं है, सही बात है, मुंबई के पास सिर्फ रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा इस वक्त सिर्फ बातों के अंदर है, ठीक है। हाँ, मगर ये कि अगर पिछला मैच देखा मुंबई इंडियंस का तो टफ कॉल तो होगी यकीनन CSK के लिए, मगर मैं जाऊँगा CSK के साथ, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर धोनी है। अच्छा, तो चेन्नई को आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ धोनी, राइट? बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं 15 अप्रैल को मैच होने वाला है, RCB वर्सेस SRH। सो इसमें सनराइजर्स से RCB बेंगलुरु में खेलेगा, सिक्स सेटिंग मशीन है ये टीम, ये आखिरी बारी है RCB की, अगर RCB ने टूर्नामेंट में खेला तो फिर तो अगर अब भी कुछ नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन सनराइजर्स की बैटिंग बहुत तगड़ी है बॉस, मैक्सवेल के बगैर ये मैच जीतना आसान नहीं है। 16 साल हो गए और मुझे याद है 2008 में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो RCB बहुत बड़ी टीम है, विराट कोहली इसके अंदर होगा, विराट इतना शायद बड़ा नज़र नहीं आता होगा सब लोगों को, मगर मेरे पास कुछ मेमोरीज जो आती हैं अपनी सोशल मीडिया की, उसमें भी विराट मिलता है मुझे 2008 2009 2010 के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि यार RCB ने तो सोचा यही है कि बस हमने इस लीग में खेलना है, परफॉर्मेंस हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। सनराइजर्स थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है इस दफ़ा, उनके पास सारे कसाई हैं, हर आदमी छक्के मारता है उनका, तो सनराइजर्स के साथ फिर आप दोनों इत्तेफाक करते हैं। 276 है, 8 है उनके, 277 हाईएस्ट स्कोर उन्होंने मारा, हाईएस्ट एवर IPL, अभी मुंबई को मारा था ना। अच्छा, मुंबई इंडियंस को मारा था ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुकाबला देखा जाए तो T20 में कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि यार RCB हारेगा, हो सकता है RCB जीत भी जाए, वो तो गेम तो देखिए कभी भी पलट सकते हैं। गिवन डे पे आपने देखना होगा कौन सी टीम परफॉर्म करती है। अच्छा, मैच है किधर ये तो बताइए, मैच चेन्नई में या मुंबई में, CSK पहले ये भी बता, अगर ये तो मैच चिन्ना स्वामी में हुआ सनराइजर्स और RCB का, ये तो बैंगलोर में RCB बैंगलोर में है ना। अच्छा, KKR वर्सेस RR हो रहा है, तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि RR ही कहीं है, आप लोग क्या देख रहे हैं? KKR वर्सेस RR हो रहा है, कब हो रहा है ये? कलकत्ता में हो रहा है, 16 अप्रैल को, ये है बहुत बड़ा मैच, मर्च ऑर्गेनाइज टीम राजस्थान रॉयल्स, जिसकी फॉर्मेशन कमाल है और मस्त कहते हैं ना, मस्त मोस्ट पागल टीम इन दिस ईयर्स IPL KKR, okay. मतलब पागलपना चल रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, मैडनेस चल रही है, सिर्फ वेस्ट इंडियन मैडनेस चल रही है इस बार IPL में, क्योंकि वर्ल्ड T20 भी वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है, रसल मार रहा है, उमर रसीदा, सुनील नारायण ऊपर से 70-70-80-80 रन कर रहे हैं, फिर रोमारियो शेफर्ड आ गया, शिमरन हिटमायर RR के रोमन पाल है, रोमन पाल भी चल रहा है, तो मैं ये बता दूं बहुत तूफानी मैच होने वाला है, ये मैच बहुत तूफानी होने वाला है भाई। 1,10,000 जब स्टेडियम में लोग बंगालीज बैठ के देखेंगे वहां, तो KKR को कौन हरा सकता है? फिर शाहरुख खान होंगे, ठीक है, शाहरुख खान की टीम, मगर KKR में भी एक बुराई है, क्या? श्रियास अय्यर जो इनका कप्तान है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा, उस गांव से कभी अच्छी खबर आई नहीं है, उससे आप अगर पूछेंगे कि भैया तू कहाँ खेलना चाहता है, वो नंबर तो 3 अपना बता देगा कि मैं नंबर 3 पे खेलना चाहता हूँ, मगर हो कुछ नहीं रहा उससे, ठीक है, इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं कर पाया,
मगर ठीक है केकेआर में बट चांसेस किसके ज्यादा है मतलब केके चलो तुम्हें एक आदमी का नाम देना राजस्थान रॉयल मैच जीतेगी राजस्थान रॉयल मुझे लगता है केकेआर जो है ना डोमिनेट करेगा वहां पे क्योंकि उनकी घर है ना सुनील नारायण भी है वरुण चक्रवर्ती भी है देखा तुमने वरुण चक्रवर्ती पसंद होगा तुम्हें अपने बहुत प्यारा बच्चा मिस्ट्री आंखें भी मिस्ट्री है उसकी यूं बहुत प्यारा बच्चा वो ऐसा लगता है घूर रहा है हालांकि उसकी आंखें ही ऐसी तारे जमीन पे वरुण को देखने के लिए शर्त रखी हुई है लोगों ने अच्छा मतलब एक स्कॉलर कहती है जराए बताते हैं कि स्कॉलर कहती है कि किसी लड़की ने भी उसको 7 मिनट लगातार देख लिया उसे प्यार हो जाएगा अच्छा इज दैट क्यूट यार ओह माय गॉड ठीक है तो अब जीटी वर्स डीसी हो रहा है इसमें कौन जीटी और डीसी अच्छा ये दोनों ही बेकार पार्टी है जो भी निकल जाए जीटी कोई भी भारत का पार्टी नहीं जीटी और डीसी जो हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है वो गुजरात में ये अगर गुजरात कहीं अच्छा खेलती है तो गुजरात अच्छा मिलर वापस आ गया तो अगेन ये फॉर्मेटेबल हो जाएंगे मिलर की इंजरी इन्हें मार रही है जब से मिलर बाहर एक नाम लेना है इसमें तुक्का लगाना है यानी यार चलो ये मैच दिल्ली जीत जाएगी अच्छा ये दोनों जो टीम्स हैं कुछ तो करेगा दुनिया में दोनों के कप्तान पोटेंशियली इंडियन कैप्टन बनने की तरफ जा रहे हैं एक का शुभमन गिल है और दूसरा जनाब आपका ऋषभ पंत तो अब इन दोनों के लिए भी बड़ा अहम है इंडिया में परफॉर्म करना खासतौर पर लीग में लीग कोई क्राइटेरिया नहीं है उनका कि यहाँ परफॉर्म करेंगे तो इंडिया खेल जाएंगे मगर ये कि दोनों ये समझते हैं कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इस लीग में अपना नाम थोड़ा सा रेस करे आदमी और खासतौर पर शुभमन गिल वो कोशिश पूरी करेंगे कि यार वो किसी तरह इस मैच को गुजरात में जीतने की कोशिश करें मगर मुझे लगता है कि ये वासे बिल्कुल ठीक कह रहा है ऋषभ पंत जो है वो अपनी एक्सेसिबल है वो ऐसा लग रहा है कि वो मैच मार दे भर्ती पूरे करने के दिन आ रहे हैं ना मार्श और वार्नर के उनके भी तो कई रन आएंगे इट मींस कि आप दोनों एक ही पे इत्तेफाक करते हैं राइट ऐसा ही है पंत के पास है पंत के पास मैजिक है नहीं सिर्फ टीम के लिए एक पे इत्तेफाक करते हैं भाई बाकी मामले में गड़बड़ हो जाएगी अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट मैच जो है वो मुंबई इंडियंस का और पीबीकेएस का होने वाला है तो इसमें क्या पीबीकेएस है पंजाब किंग्स ये मजाक है फैंस को पता मजाक करता हूँ वैसे मेरी फेवरेट हीरोइन है प्रीति जिंटा मुझे वो उनकी अभी तक माशाल्लाह एक्टिंग मुझे उनकी बड़ी पसंद है गड्ढे पूरे पड़ते हैं आज भी गड्ढे डिंपल जो है ना मुझे डिंपल का तो नहीं पता प्रीति जिंटा की बात नहीं कर रहे हम टीम्स की बात कर रहे हैं ये हमेशा खूबसूरत लड़के क्यों बताया तुमने प्रीति जिंटा ये हमेशा खूबसूरत लड़के रखती है स्टॉइनिस को पकड़ लेती है ये ठीक है ये नहीं है वो काव्या मरण वो काव्या मरण रख रही है नहीं, पहले ये तो पंजाब ये में मिलर लाई थी मिलर, सबसे पहले मैक्सवेल मिलर आया था जब इसके पास तो हरी आंखें थी नीली हो गई उसकी आंखें नीली हो गई ना देखती है चेंज हो जाती है जैसे मैं तुम्हें एक सीरियस शो में बात बता देता हूँ मेरी एक बचपन की मेरी आईज बाय बर्थ जो है वो ब्लू थी और फिर मुझे डबल नमोनिया हुआ 2-2.5 साल की उम्र में तो मेरी आंखें ऑल ऑफ द सडन ग्रीन हो गई और डॉक्टर ने बताया कि अनोनी नहीं ऐसा हो जाता है पंजाब के पास तो कोई है नहीं पुराना आइटम उठाया हुआ उन्होंने प्रीति जिंटा ने शेखर धवन जो भी पुराना आइटम उठाया हुआ तो शेखर धवन अभी ख्याल में पंजाब रखा हुआ उसने शैम्पू वैम्पू करके बच्चा प्यारा सा मगर वो सैम करण नहीं है उसके पास तो कुछ करता तो है और सिकंदर रजा भट्ट किसके पास है इन्हीं के पास है जॉनी बैरिस्टो किसके पास है कसाई वसाई रखे हुए इतना मतलब अच्छा चल कोई भी नहीं रहा चल कोई पंजाब किंग्स को कोशिश करनी पड़ेगी पंजाब के चांसेस कह रहे हैं हो सकते पंजाब के चांसेस कम है तो फिर मुंबई इंडियंस ही ऑब्वियसली मुंबई से मैच है इनका किस मैदान में पहले किसका नाम लिखा है तुम्हारे पास पंजाब मोहाली में ही होगा ये मैच यार ये मैच पांड्या मार देगा नहीं ये मैच पंजाब से है ये मैच पंजाब कैसे तो मतलब यहाँ पे आप दोनों डिवाइड हो गए मुझे ऐसा लग रहा है पांड्या मार देगा इसलिए कह रहे हैं कि मोमेंटम वापस आ गया है ना जीत का 3-4 मैच लगने के बाद अब वो परफॉर्मेंस दे रहा है मुंबई तो ऐसा तो नहीं इतनी बड़ी टीम है 5 शटल जीती हुई है रोहित शर्मा उनके साथ है अब तो सूर्य कुमार भी वापस आ चुके हैं 360 खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को वो आसानी से गिरा लेंगे वो पंजाब में दमखम है नहीं वो भी सिर्फ नाम के लिए खेल रही है प्रीति जिंटा नाम लगा हुआ है ये बस प्रीति जिंटा नेस वार्डिया और समझ गए होंगे आप अच्छा लास्ट जो मैच है नेक्स्ट वीक का वो है एलएसजी वर्सेस
CSK, तो इसमें बताएं क्या कमेंट है, कौन सी टीम है? तुम सारे मैचों में चेयर लीडर तो नहीं हो, इतने सारे मैच बता दिए तुमने, अभी यूं है, अभी यूं है, एक हफ्ते बाद के मैच का उसमें नेक्स्ट वीक नेक्स्ट आज ही कल ही है ताकि आपके जो चले कौन सा LSG वर्सेस CSK। अच्छा ये होगा लखनऊ में, ये पिच दोनों टीमों को सूट करती है, CSK भी स्लो पिचेस की बादशाह है और लखनऊ तो खेली स्लो पिचेस की रही, ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये नेल बाइटर भी हो सकता है। अच्छा हाँ ये नेल बाइटर भी हो सकता है। चांसेस किसके हैं? एक यार चांसेस तो डेफिनेटली आप होम टीम पे चली जाएंगे, होम टीम कुछ ना बॉलिंग लेकिन कहना चाहिए कमजोर है, बॉलिंग की वजह से ओवरऑल यही मयंक वयंक यादव है, तो डेफिनेटली आप इन्हीं पे जाएं कि इस बार लखनऊ कुछ तो करेगी ना यार, राहुल है, पूरन है, अब पूरन का चूरन कितने अरसे बिकेगा ये भी देखना है, और इनका थोड़े दो तीन मैचों में चूरन भेज देते हैं 40-50 रन, फिर ये ऑल ऑफ द सडन फेल होना शुरू हो जाते हैं, अब ये 40-50 करते करते क्या 70 करेंगे, क्विंटन डिकॉक ने क्रिकेट छोड़ी है, क्या वो लखनऊ को सुकून को खुशियां देंगे, कहते हैं ना कोई भी खुशियां दोबारा हासिल करें। बिल्कुल कोई भी खुशियां हम दोबारा हासिल जरूर करेंगे, बट अपने नेक्स्ट एपिसोड में क्विंटन डिकॉक करेंगे हम भी हासिल कर लेंगे।